IDTV presents प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रामलीला मैदान में धन्यवाद रैली में नागरिकता विधेयक को लेकर चल रही अफवाहों पर साफ और स्पष्ट संदेश दिया। जहां एक तरफ पीएम ने दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की बात कही, वहीं हिंसा को लेकर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में करीब एक महीना बाकी रह गया है। पिछली बार हमने 67 सीटें जीती थी और इस बार हमें इससे कम नहीं बल्कि ज्यादा सीटें जीतनी है। जम्मू कश्मीर के नौशरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। रामपुर में आज लोगों ने CAA के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने विरोध के दौरान आज पथराव करने के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागे। उन्नाव के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के बाहर खुद को आग लगाने वाली दुष्कर्म पीड़िता की कानपुर स्थित एक अस्पताल में रात मौत हो गई। पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई के बाद दबंग 3 का दूसरा दिन भी कमाल का रहा। 24 करोड़ के फर्स्ट डे कलेक्शन के बाद दूसरे दिन भी फिल्म ने 24 करोड़ से अधिक का कारोबार किया। सत्ताधारी दल भाजपा के करीब 2 दर्जन से अधिक विधायक, सांसद और मंत्री लेखपालों की मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख रहे हैं। कालका शिमला NH पर डेट घराट के पड़ोथा में कार के 500 मीटर गहरी खाई में गिरने से 5 युवकों की मौत हो गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह देश के लोगों को बांट रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रविवार को हुनर हाट का उद्घाटन किया। ये है DID में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए कल तक।